जी स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद डेफिनेशंस ऑफ थर्ड चैप्टर ऑन आवर फेयर नोटबुक्स. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स. आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स टुडे इन योर क्लास ग्रुप्स. ओके, हाँ जी. सो फर्स्ट पार्ट है बच्चे, जो आपका जैसे आपके ए और बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है. तो पहले हम ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. थर्ड चैप्टर आपका साइंस का है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ओके जी, हाँ जी. सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ठीक है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग में आपने क्या करना है, डिफरेंस देखना है कि क्या क्या होता है. सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है थ्रेशिंग का, The process of separating grains from the stalks is called threshing. Threshing क्या होता है, जब आप grains को separate out करते हो from their stalks, ठीक है, तो वो चीज़ होती है threshing. Winnowing क्या होता है, हाँ जी देखो, under the winnowing देखो, first point, the method used to separate lighter components of a mixture from the heavier ones. By wind is called winnowing. Winnowing method में क्या होता है, आप lighter components को separate out करते हो mixture से, ठीक है, कहाँ से, जो उसमें heavier ones होते हैं, जो heavy होते हैं वो अलग रह जाते हैं और जो lighter होते हैं वो wind के साथ क्या हो जाते हैं, blow कर जाते हैं, ठीक है. तो ये होता है winnowing method. Threshing का second point है, this can be done, हाँ जी, This can be done by beating. Beating क्या होता है, किसी चीज़ को किसी hard surface से beat करना, मारना उसे ज़ोर ज़ोर से, ठीक है. तो हम threshing में क्या करते हैं, stalks को beat करते हैं, या तो stick के साथ या फिर आप ground के साथ भी उसको क्या कर सकते हो, beat कर सकते हो, ठीक है. तो ये चीज़ होती है threshing. Winnowing में क्या करते हो, जो आपके husk particles होते हैं वो आप air blow करके या फिर wind, उसके साथ क्या करते हो, हस्क पार्टिकल्स को ग्रेन्स के साथ, ग्रेन्स से क्या करते हो, सेपरेट आउट करते हो, ठीक है. तो ये सबसे पहले आपका डिफरेंस था बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. हाँ जी, डोंट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. सेकेंड डिफरेंस है बच्चे आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स, जिसमें हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, किसमें हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड में, जो लिक्विड में जब हम इनसॉल्यूबल सॉलिड डाल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. जैसे हमने क्या लिया था, वाटर में सैंड मिक्स की थी, ठीक है, सैंड में, सैंड क्या था, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड, किस में, वाटर में, वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है. तो उसमें जो सैंड है वो क्या है, हैवियर है देन वाटर, तो वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाती है आपके ग्लास के नीचे, ठीक है. तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. उसके बाद हम डिकेंटेशन करते हैं. डिकेंटेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस, हाँ जी, इट इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट हाँ जी. अब जब हमारे पास क्या हो गया, जो सैंड पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाटर होता है उसको पोर आउट करते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. जो आपका सेडिमेंट होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है, वो एज इट इज़ क्या हो जाता है, सेटल डाउन रहता है, ठीक है, एट द बॉटम. तो बाकी हम जो ऊपर वाला वाटर होता है उसको पोर आउट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. थर्ड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इंटू इट्स वेपर फॉर्म. जब हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो अपने वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन.
जो कंडेंसेशन है वो इवेपोरेशन का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो वाटर वेपर है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये पहला आपका क्वेश्चन था, आपने डिफरेंस करना था इसमें थ्रेशिंग एंड विनोइंग में, उसके बाद सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में, थर्ड था आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। मडी वाटर कौन सा होता है, जिसमें मिट्टी वगैरह मिक्स हुई होती है, गंदा पानी होता है, जो आपका कीचड़ होता है जैसे, ठीक है। उसको हमने, वहाँ से हमने क्या करना है, क्लियर वाटर को अलग करना है मडी वाटर से। तो कैसे करोगे, ये आपके पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। कैसे करोगे, वी कैन सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर बाय फिल्ट्रेशन। हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, एक मेथड पढ़ा था फिल्ट्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल से हम अलग करते हैं, ठीक है। जैसे मडी वाटर है, मडी वाटर में क्या होता है, जो मड होता है हमारा, जो वहाँ पे सैंड होती है, वो बिग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड है वो क्या होता है, उस फिल्टर पेपर से क्या हो सकता है, पास थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में हमने क्या लेना है, एक सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर लेना है, सर्कल में, ठीक है। उसको फोल्ड कर देना है कोन की शेप में, जैसे मैंने आपको वहाँ पे जब हमने चैप्टर रीड किया था, हमने बुक में पढ़ा था कि किस कैसे हम फिल्टर पेपर का कोन बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे, तो हमारे पास एक कोन सा बन जाएगा। उस कोन को हमने क्या करना है, उस कोन को हमने क्या करना है, किसी फनल में, फनल क्या होती है, जो जिस फनल से आप क्या करते हो, घर पे तेल वगैरह डालते हो ना किसी, मान लो आपने किसी बॉटल में, ठीक है, आपने क्या करना है, तेल डालना है, तो आप उस पर एक कोन रखते हो प्लास्टिक की, ठीक है, उसको फनल बोलते हैं। तो फनल में हमने वो फिल्टर पेपर रख लिया, ठीक है, उसके बाद नीचे कोई ग्लास वगैरह रख दो उसके, तो वहाँ उस फनल में से जो फिल्टर पेपर रखा, हम क्या करेंगे, पोर करेंगे मडी वाटर, ठीक है, जो गंदा पानी है, ठीक है, जिसमें जो आपका सैंड है वो मिक्स हुई हुई है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे क्लियर वाटर क्या हो जाएगा, उसमें से फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, और जो आपका मड है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लियर वाटर ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम मडी वाटर बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाँ जी महकप्रीत कौर, हाँ जी अनम्यूट योरसेल्फ। दैट्स प्रेयर आउट का मतलब क्या होता है, क्या बच्चे, सेपरेट आउट मैम, मेयर सेपरेट आउट मींस आप अलग कर रहे हो दो चीजों को, ठीक है, वो होता है सेपरेट आउट। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, देखो ऑन व्हाट बेसिस विल यू चूज अ मेथड ऑफ सेपरेशन। अब देखो आप किस तरीके से डिसाइड करते हो कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है सेपरेशन के लिए, ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि ये मेथड यूज करना है मैंने सेपरेट आउट करने के लिए। वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, जो आपने उसमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है उस पे डिपेंड करता है, मतलब वो किस साइज के हैं, ठीक है, किस साइज के हैं। जैसे मान लो अब आप आटे को सेपरेट आउट करते हो, उसमें से जो आपको पता है कि वो सीविंग से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, आपको साइज का पता है कि आटे में दो साइज के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक मोटे एक पतले, ठीक है, पतले वाले सीव से पास थ्रू हो जाते हैं और जो मोटे होते हैं वो सीव में रह जाते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हो, जैसे आपको पता है कि अगर मैं गंदा पानी उसमें से पास करूँगा तो उसमें से जो मिट्टी होगी वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, ठीक है, और जो पानी है वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मैं जिस चीज़ को अलग करना चाहता हूँ वो कंपोनेंट्स कैसे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेट आउट सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर वी कैन यूज़, या तो हम सिंगल मेथड यूज़ कर सकते हैं एक ही मेथड से, या फिर हम कम्बिनेशन, जैसे कम्बिनेशन मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी, आपने क्या करना है, सैंड
सॉल्ट और वाटर तीनों को अलग अलग करना है, ठीक है। आप उसमें दो दो तीन मेथड यूज करते थे, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, अब देखो वाटर में सॉल्ट तो मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, आप उसको अलग कैसे कर सकते हो? हाँ जी, आप उसको अलग कैसे करते हो, उसको क्या कर दो, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें सैंड को अलग करना है। सैंड को अलग करने के लिए आप क्या करते हो, वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरा मेथड यूज़ करते हो उसमें से सॉल्ट को अलग करने के लिए, मतलब आप वाटर को हीट करते हो तो इवेपोरेट हो जाता है वाटर और जो सॉल्ट है वो आपका नीचे रह जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ वहाँ पे क्या करते हो, दो और दो से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप जो कॉम्पोनेंट्स मीन्स जो आपने वहाँ से अलग अलग पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना है वो कैसे है? ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे ये आपके ए पार्ट के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है बी पार्ट के। मैं आज आपको ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी ग्रुप में, आपने फेयर नोटबुक्स पे करने हैं, ठीक है। कल मैं आपको बी पार्ट के सेंड करूंगी, ठीक है जी। हाँ जी, बी पार्ट के क्वेश्चन देखो। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। अब देखो, आप कोई भी चीज़ खाते हो, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है, कोई गंदी चीज़ है जो आपकी आपने नहीं आपको नहीं खानी चाहिए, तो आप उसको अलग करते हो ना। जैसे आप राइस कुक करते हो, राइस कुक करने से पहले उसमें हस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्टोन्स भी होते हैं, तो उनको आप खा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल हैं आपके लिए, ठीक है। तो उनको अलग करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू सेपरेट दीज सब्सटेंसेस, ठीक है। सो आंसर, द मिक्सचर कंटेन्स अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मीन्स जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है, एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसमें क्या होती हैं, अनडिजायरेबल चीज़ें भी होती हैं और हार्मफुल, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है, इसीलिए उनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है, व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड। हैंड पिकिंग मेथड जो हमने पढ़ा था वो कब यूज करते हैं, उसके लिए मैंने आपको थ्री सिचुएशंस बताई थी कि आप हैंड पिकिंग मेथड कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको जब आपने हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है, हैंड पिकिंग मीन्स अपने हाथों से कोई कंपोनेंट को अलग करना, ठीक है, तो उसमें आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैंड पिकिंग मेथड वहाँ पे ही यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपके पास थोड़ी चीज़ हो, ठीक है। जैसे राइस है, राइस आप क्या कितना राइस बनाते हो, सिर्फ एक बोल बनाते हो, ठीक है, एक बोल राइस लेते हो, ठीक है, उससे पूरी फैमिली के लिए हमारे पास राइस बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी है ना उस मिक्सचर की, राइस की सिर्फ एक बोल है, लेकिन अगर आपको एक पूरा बैग भरा हुआ कह दिया जाए कि हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करके इसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग करो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो पहले हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जहाँ पे हैंड पिकिंग आपने यूज़ करना है, द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम द यूजफुल वन इन शेप साइज और कलर। जो भी आपने उस फूड में से, ठीक है, उस कोई भी चीज़ से आपने अगर इम्प्योरिटी को अलग करना है, जो आपको अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं चाहिए, तो उसका साइज, शेप और कलर वो अलग होना चाहिए। जैसे राइस में क्या होता है, राइस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टोन है, किस साइज़ की जो आपने इम्प्योरिटी आपने अलग करनी है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, तभी आप उसमें से वो चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि ये इम्प्योरिटी है उसमें, आप ऐसे ही राइस भी निकाल के फेंकते रहोगे तो वो तो वेस्ट हो रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने हैंड पिकिंग मेथड से जो इम्प्योरिटी निकालनी है उसका, उसकी शेप, साइज और कलर कैसा है, ठीक है। थर्ड क्या पता होना चाहिए आपको, थर्ड पॉइंट है, द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब जो चीज़ वहाँ से आपने सेपरेट आउट करनी है, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है, वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए।
मान लो आप एक बोल राइस ले रहे हो, ठीक है, उसमें से आपने हैंड पिकिंग मेथड यूज करके स्टोन्स को अलग करना है. अगर मान लो राइस थोड़े से हैं उसमें स्टोन्स बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपको डिफिकल्ट हो जाएगा. कितना टाइम लगेगा आपको पिक अलग करने में, तो वो चीज़ भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. तो ये तीन चीज़ें आपको अगर ये पता है तभी आप हैंड पिकिंग मेथड यूज करते हो वहाँ पे, ठीक है. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग. किस टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में से हम सीविंग मेथड यूज करके सेपरेट आउट करते हैं. सीविंग मेथड मींस, सीविंग क्या होता है, एक हमारे पास नेट सी होती है लोहे की, नेट को एक फ्रेम में क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं. जैसे मान लो हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट में से स्टोन भी होते हैं, बहुत कुछ होता है. तो हमने क्या करना है, सीमेंट में से स्टोन निकालना है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा हमारे पास सीविंग बना होता है, मतलब एक बड़ी सी जाली बनी होती है, उसको एक वुडन ब्लॉक में फिक्स किया होता है. उसमें से सीमेंट को क्या करते हैं, छानते हैं, ठीक है. तो सीमेंट जब छानते हैं तो उसमें से स्टोन अलग हो जाते हैं और सीमेंट जो हमारा ब्रीक ब्रीक सीमेंट है वो अलग हो जाता है, ठीक है. तो ये सीविंग, जैसे अब आटा भी आप सीव करते हो, ठीक है. तो ये चीज़ें क्या हैं, सीविंग मेथड. सीविंग मेथड में क्या होता है, किस टाइप के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसमें जो डिफरेंट साइज के कंपोनेंट हैं, ठीक है. मान लो आपने क्या करना है, स्टोन और सैंड दोनों के साइज डिफरेंट है ना, ठीक है. स्टोन बड़े होते हैं, सैंड क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो पतली सी होती है, ठीक है. तो स्टोन्स और सैंड का डिफरेंट साइज होने की वजह से ही हम वहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, सीविंग. तो सीविंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. जो डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स हो वहाँ पे ही हम क्या कर सकते हैं, सीविंग मेथड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टू सेपरेट स्टोन्स एंड सैंड, अगर हमने स्टोन्स एंड सैंड को सेपरेट करना है तो हम सीविंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है. उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम पल्सेस और राइस ग्रेन्स बिफोर कुकिंग. हाँ जी, जब भी आप पल्सेस या फिर राइस ग्रेन्स बनाते हो, कुक करने से पहले आप उनमें से इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करोगे, कैसे रिमूव करते हो, बाय हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है. वी रिमूव द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लाइक पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस और राइस ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज विनोइंग यूजफुल टू फार्मर्स. अब जो फार्मर्स विनोइंग मेथड यूज करके हस्क पार्टिकल्स को ग्रेन से सेपरेट आउट करते हैं, वो क्यों करते हैं, उनके लिए विनोइंग मेथड यूजफुल कैसे है, ठीक है. विनोइंग मेथड जो कैसे करते हैं, एयर को ब्लो करके, ठीक है, या फिर विंड की हेल्प से वहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, हस्क पार्टिकल्स को ग्रेन से अलग कर सकते हैं, ठीक है. दैट मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. तो वो उनके लिए यूजफुल कैसे है, यूजफुल क्यों है, क्योंकि वो इसको सेपरेट कर रहे हैं हस्क को फ्रॉम ग्रेन से, मतलब उनके जो ग्रेन्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है. वो विनोइंग मेथड यूज करके उनमें से हस्क पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है. तो वो मेथड उनके लिए क्या है, यूजफुल मेथड है फॉर फार्मर्स, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर. अब जो आप किचन में सॉल्ट यूज करते हो, ठीक है, वेजिटेबल्स में डालते हो, वो होता है कॉमन सॉल्ट. वो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से. जो बड़े बड़े सी ओशंस बने होते हैं उनमें से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, ठीक है. वो कैसे वहाँ पे, कैसे वहाँ से सी वाटर से कॉमन सॉल्ट निकालते हैं. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन. हमने इवेपोरेशन पढ़ा है कि इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी गर्म हो जाए, बॉयल हो जाए, तो वो पानी क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उड़ जाता है पूरा पानी, ठीक है. तो उसी प्रोसेस को यूज करके हम सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं. मतलब जो सी वाटर है उसको क्या कर दिया जाता है, शैलो पॉन्ड्स, जो गड्ढे होते हैं ना पानी के, उसमें सी वाटर को छोड़ दिया जाता है, ठीक है.
तब क्या होता है, तब जब सनलाइट आती है, सनलाइट से क्या होता है, वो पानी जो गड्ढों में भरा होता है वो अपने आप हीट होना शुरू हो जाता है। जब हीट होगा पानी, हीट होने की वजह से वो क्या होने लगेगा, एवेपोरेट, मतलब वो वेपर फॉर्म में, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उड़ना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, सॉल्ट, क्योंकि पूरा पानी तो उड़ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा उस पानी में से, सॉल्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। सी वाटर इज allowed to stand in shallow ponds, ठीक है। Water gets evaporate in the sunlight and salt is left behind, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है salt and sea water अलग अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है सेवन क्वेश्चन। हाँ जी, सेवन क्वेश्चन देखो। Is it possible to separate a mixture of sugar and wheat flour? क्या ये possible है sugar and wheat flour को separate out करना? एक आपके पास sugar है, सस्ता है सर, की कटना हाँ जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, sugar and wheat flour को separate out करना है, ठीक है। कि आप कर सकते हो शुगर एंड वीट फ्लोर को सेपरेट? इफ सो हाउ विल यू डू इट? अगर कर सकते हो तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वीट फ्लोर, इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वीट फ्लोर। आप शुगर और वीट फ्लोर को अलग अलग कर सकते हो। कैसे करोगे? इट कैन बी डन बाय सीविंग। सीविंग की हेल्प से आप वीट, जो आटा होता है आपका, उसको शुगर से अलग कर सकते हो, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स है, जो चीनी होती है आपकी, ठीक है, वो बड़ी साइज की होती है आटे से, ठीक है। तो जब आप सीव में से उसको निकालोगे, आटा क्या हो जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा, पास थ्रू हो जाएगा, और जो आपके शुगर पार्टिकल्स हैं वो सीव पे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शुगर और वीट फ्लोर क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो yes, it is possible to separate a mixture of sugar and wheat flour. It can be done by sieving. Sugar particles being larger in size remain on the sieve and wheat flour passes through the sieve. ठीक है बच्चे, ये आपके क्वेश्चंस थे ए और बी पार्ट के, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है then ask me. If you have any doubt, then ask me, बच्चे raise your hand. अगर किसी को इस चैप्टर में से कुछ भी समझ नहीं आया, हमने different types of methods पढ़े हैं, ठीक है, components को separate out करने के लिए। हाँ जी, definition सबकी हो चुकी है बच्चे फेयर notebooks पे, और book work भी हो चुका है ना इसका। हाँ जी, बुक वर्क भी मैंने सेंड कर दिया था, ठीक है। डेफिनेशंस भी आपकी हो चुकी हैं। आज मैं आपको इसके ए पार्ट, ओनली ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, आपने फेयर नोटबुक्स पे करने हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है, अगर किसी का पेंडिंग वर्क रहता है, देन यू कैन मैसेज मी पर्सनली। हाँ जी, विपिनदीप सिंह। हाँ जी बच्चे, अनम्यूट योर सेल्फ। हमारा पेंडिंग वर्क रहता है। कौन से चैप्टर का बच्चे? थर्ड चैप्टर। फर्स्ट सेकंड हो गया आपका कंप्लीट? यस। ओके, थर्ड चैप्टर के आपके डेफिनेशंस और बुक वर्क रहता है? मैम बुक, मैम यस। ओके जी, आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे, मैं आपको सेंड कर दूंगी काम, ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, आकाशप्रीत सिंह, अनम्यूट योर सेल्फ। मैं थोड़ा सा पेंडिंग वर्क रहता है। कौन से चैप्टर का बच्चे? मैं थर्ड का ही। चैप्टर के बच्चे हमने डेफिनेशंस की हैं अभी और बुक वर्क किया है। क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको सेंड करूंगी। क्या रहता है आपका? मैं डेफिनेशन, डेफिनेशंस रहती हैं। ओके, आई विल सेंड यू, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप पर्सनली। ओके,
मैम. हाँ जी हाँ जी. और किसी को कोई प्रॉब्लम हो? मैम क्वेश्चन आंसर रहते हैं मैम के लिए. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन आंसर्स आज सेंड करूंगी मैं आपको. हाँ जी, क्वेश्चन आंसर जो ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आज आपको सेंड करूंगी, कल बी पार्ट के सेंड करूंगी. ठीक है? ओके. हाँ जी. हाँ जी विपंदीप सिंह. यस. तो प्रॉब्लम है बच्चे आपको? हाँ जी महकप्रीत. हाँ जी महक. बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम. हाँ जी मैम. ग्रेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? किनको? मैम ग्रेन्स को. ग्रेन्स बच्चे जो दाने होते हैं. ठीक है? वीट ग्रेन्स भी होते हैं ना, जो दाने कनक के दाने होते हैं. राइस ग्रेन्स जो दानों को बोलते हैं हम ग्रेन्स. ठीक है? हाँ जी. ओके बच्चे, तो हम यहीं पे हम क्लास अपनी फिनिश करते हैं. ठीक है? ओके, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास. ओके जी, बाय बच्चे. बाय.